कर्तव्य पालन श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित इस एकांकी के दो मुख्य पात्र हैं, वन रक्षक पुंडरीक और राजा। इस एकांकी में वन रक्षक के कर्तव्य पालन का सहज सुंदर और रोचक वर्णन किया गया है। स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम, पात्र राजा, राजा का दरबारी, वन रक्षक जंगल का रखवाला। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। एकाएक, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूं, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूं। पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। राजा जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे यह एहसास हो रहा है कि प्रकृति के दरबार में राजा और रंक एक समान है। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। इस समय तो किसी भिखमंगे का कुत्ता भी मुझ पर भौंक सकता है, और वह भिखमंगा मिले तो मुझे सलाम भी न करे। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह, मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा नहीं, मनुष्य ही हूं। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। राजा एक आम मनुष्य के रूप में व्यवहार करने का प्रयास करता है। वन रक्षक का प्रवेश। आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूं। अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? मैंने नहीं चलाई, तिरस्कार के स्वर में। तुम झूठ बोलते हो। मन में, झूठ बोलता हूं? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूं। प्रकट, तुम मेरी बात का विश्वास करो। भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। अच्छा अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरण को गोली मारी, क्या नहीं मारी? नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज सुनी है, और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? गंभीर होकर, मेरा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। एक राजा होने के नाते आम मनुष्य की तरह उन्हें अपना परिचय देने की आदत नहीं थी। हो सकता है, पर ये ही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुमको बाहर निकाल आऊं। क्षुब्ध होकर, तुम किस अधिकार से? जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूं, इस अधिकार से। गौर से देखकर, पुंडरीक? अकड़ के साथ, जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के
एक अच्छे अफसर हो, मगर तुम विश्वास करो। नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, अब यहाँ राह भूल गया हूँ। इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। इस वक्तव्य से पुंडरीक दरबारियों पर व्यंग कस रहा है कि दरबारी होने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है। खैर, तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से एक रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम, और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, ज़बान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूं। लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूं जितने तुम हो। शांत होकर, क्षमा करो मित्र। मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूं। जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है, तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूं? ओ, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहां से 10 मील पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। महाराज, कुशल से तो है। महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन? महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। ढिठाई मतलब दुस्साहस, धृष्टता। राजा बंदूक खींचता है। महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूं। राजा अपना अफसोस जाहिर कर रहा है कि इतने नेक और ईमानदार व्यक्ति को उसने अब तक उचित सम्मान क्यों नहीं दिया। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो।
अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह बंदूक लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1,000 रुपए सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा बंदूक देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। पुंडरीक महाराज, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाता है। पर्दा गिरता है।